बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड फूड। दोस्तों आज हम मौजूद हैं एक ऐसे सुपर स्टोर पे। ये है सुपर स्टोर जनाब, ये अपना फायरवर्क्स का शॉप है। यहाँ पे आपको फुलझड़ियाँ होंगी, आपको पटाखे, ये सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे बर्थडे हो गया आपका और दूसरी बात क्रिसमस के तमाम सामान यहाँ पे बहुत आसानी अवेलेबल है। मेरे चैनल पर नए वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो लाइक करें। तो आइए मेरे साथ। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ यहिया साहब मौजूद हैं जो यहाँ के सेल्समैन हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यहिया भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी जी आप ठीक हैं? अच्छा यहिया भाई, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं कि ये क्या क्या आप लोग डील कर रहे हैं। देखें, हमारा ये जो सुपर फायरवर्क्स है, ये एक ऐसा इदारा है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो डिफरेंट सेरेमनीज़ के हवाले से भी आइटम्स होते हैं और मुख्तलिफ़ जो हमारे त्यौहार आते हैं हिंदू बरादरी के, मुसलमानों के और इसके अलावा क्रिश्चियंस के, इस तमाम तर वैरायटी के हवाले से हमारे पास सारी की सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है वो अपना क्रिसमस का अभी जो क्योंकि इवेंट है आने वाला है, तो उस हवाले से मैं आपको हमारा ये क्रिसमस के आइटम्स के हवाले से जो शोरूम है ये मैं आपको जो है वो विज़िट करवा रहा हूँ। पहले क्रिसमस कर लेते स्टार्ट। जी क्रिसमस ट्री से स्टार्ट लेते हैं। जी देखिए, हमारे पास इसके अंदर तमाम आइटम्स होते हैं, जैसे कि ये बैलून्स वगैरह के, हेलियम्स के आइटम्स हैं, क्रिसमस ट्रीज होते हैं इसके अंदर हमारे पास, और ग्लिटरिंग वाले आइटम्स हैं, ग्लिटरिंग वाले बलून्स हैं, और इसके अलावा ये तमाम तर वैरायटी के बाद हमारे पास जो है प्री क्रिसमस की कलेक्शन के लिए लाइट्स की वैरायटी है, कैप्स होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट आइटम्स होते हैं जो लाइटिंग वाले आइटम्स हैं, और इसके अलावा इस तरीके के जो हैं वो। अच्छा ये मतलब किस पर्पज़ ये टॉक भी होते हैं, ये एक रिबन है, इसको जो है वो बच्चा जो है वो अपने साथ जो है वो बर्थडे गर्ल है या बर्थडे बॉय है ठीक ठीक तो ये उसको पहन के रखता है, तो ये उसके लिए एक स्पेशल वो होता है। ठीक है, बड़े रिबन है एक समझ। जी हाँ। अच्छा आइए सर यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ से शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ से ले लें। देखिए क्रिसमस की वैरायटी में हमारे पास जो है ये तमाम तरह चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर ये हैंगिंग आइटम्स होते हैं, सजावट वाले आइटम्स हैं, इसको जो है वो हमारे क्रिश्चियंस भाई जो हैं वो अपने घर की सजावट के हवाले से भी इस्तेमाल करते हैं, और ये डिफरेंट आइटम्स हैं, ये कलरफुल आइटम्स होते हैं, इसके अंदर ट्रीज़ हैं, इसके अंदर ये हैंगिंग बॉल्स होती हैं। अच्छा ट्रीज़ कितने में दे रहे हैं? ना ये इनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होती हैं, इसके अंदर हमारे पास छोटे ट्री हैं 400 रुपये से, 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक। ये जो आपके ये ना ये कितने का ट्री दे रहे हैं? ये सर 4000 रुपये का है ये, इसके अंदर जो है वो हमारे पास और मजीद हैंगिंग आइटम्स भी है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और चिली लाइट्स की वैरायटी है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिसमस के हवाले से ये और दीगर सजावट के आइटम्स हैं, जिसका जो हमारे ये तमाम तर हमारे शोरूम की जो रौनक है ये बढ़ाते हैं, और इसको जाकर हमारे जो क्रिश्चियंस भाई हैं ये यूज़ करते हैं, और इसके अंदर अपनी जो घर की सजावट है उसका जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, इन्हीं आइटम्स के साथ साथ हमारे पास ये कुछ ये लाइटिंग के आइटम्स भी मौजूद हैं, जैसे ब्राइट टू बी, हैप्पी न्यू ईयर, ये ग्रीटिंग आइटम्स हैं एक तरीके से। अच्छा ये क्या चीज़ है वैसे? ये हैंगिंग बॉल्स हैं, हैंगिंग आइटम्स हैं, ये डिफरेंट आइटम्स हैं, घर की सजावट के हवाले से इस्तेमाल में होते हैं, और हमारे क्रिश्चियंस भाई जो हैं वो इसको जो है वो बेल्स को और ये सेंटा क्लॉज को, इन आइटम्स को भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं अपने इस इवेंट के ऊपर। ये बेल्स की वैरायटी होती हैं, ये गोल्डन बेल्स का एक सेट है जो 250 रुपीज़ का है, 6 पीस का एक सेट होता है। ठीक है, हर चीज़ की प्राइस मेंशन होती है, बहुत इजी ख़रीदारी है, बहुत अच्छा पैटर्न है यहाँ का, आप आएँ बाकायदा एक मार्ट बना हुआ है जहाँ पर आकर आप अपनी ज़रूरियात की तमाम तर चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और उनसे लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। ये इसी तरीके से ये देखें, ये क्रिसमस बॉल्स हैं, इनका सेट है, ये भी हैंगिंग आइटम्स के अंदर आता है। इसके अलावा ये डिफरेंट वैरायटी है जिसके अंदर क्रिसमस के ये बेल्स हैं, बड़ी बेल्स हैं, ये भी हैंगिंग आइटम्स के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा ये स्टार्स की वैरायटी होती है, ये भी एक हैंगिंग आइटम्स की वैरायटी है, ये भी हमारे जो क्रिश्चियंस भाई हैं मतलब ये हमारे ओवरऑल यहाँ पे हैंगिंग। हाँ बिल्कुल, लाइटिंग्स की वैरायटी के अंदर हमारे पास चिली लाइट्स हैं डिफरेंट कलर्स के अंदर, ये मल्टी कलर बॉल लाइट्स होती हैं, इसके अलावा ये कलरफुल जो है वो मल्टी कलर की लाइट्स होती हैं। और ये कितने में डील कर रहे हैं? ये अलग अलग प्राइजेज होती हैं सर, 300 की लाइट होती है, ये 600 की है, ये 800 की होती है, ये 600 की है, ये 1500 की है, ये 1800 की है, कलरफुल स्टार्स के साथ चिली लाइट्स हैं। ठीक है, 1800 ठीक है। तो हर एक चीज़ के प्राइस मेंशन है आप लोगों को, इसकी भी थोड़ा रेट में काइंडली प्लीज़ बताइएगा। जी देखें, ये अलग अलग इसकी प्राइजेज़ होती हैं, छोटे ट्री हैं 400 वाले भी होते हैं, बड़े ट्रीज़ हैं 500 रुपये के रेट्स पर हैं, इससे बड़े पर 1000 वाले, 1500 वाले, अलग अलग प्राइजेस के सब चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ वैरायटी जो है वो यहाँ पर मेहंदी के आइटम्स के हवाले से भी होती है, मेहंदी के इवेंट्स के हवाले से, जिसके अंदर ढोल हैं, ये मेहंदी की प्यालियाँ हैं, उसके अलावा ये ग्लास होते हैं, सेराबंदी के ये आइटम्स हैं, डांडियाँ हैं, मटकियाँ हैं, ये तमाम तरह आइटम्स वो हैं जो हमारे मेहंदी माइयों के इवेंट्स के अंदर काम में आते हैं मेहंदी के लिए। ठीक है जी, ओके
तो आइए आप प्लीज़ अगर हमारा शोरूम विज़िट कीजिए, हमारी शॉप विज़िट कीजिए, सुपर फायरवर्क्स के नाम से एम एजिना रोड की प्राइम लोकेशन के ऊपर है, कैप्री सिनेमा के जस्ट अपोजिट है और अल आमना प्लाजा के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे हमारी ये शॉप जो है ये लोकेट है। टाइमिंग के बारे में कुछ कॉन्टेक्ट? सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का ऑफिशियल टाइम है और अगर आपको आने का टाइम ना हो या आपकी जो लोकेशन है वो दूर हो तो आप अपने पास डिलीवर भी करवा सकते हैं। सुपर फायरवर्क्स का एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 03158557210, इस पर आप कॉल करके जो है जो भी आइटम आपको नीड है उसको आप अपने पास डिलीवर भी करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिखाएंगे सर? आइए मैं आपको अपना जो है वो फायरवर्क्स का एक शोरूम जो है वो विज़िट करवाता हूँ, जहाँ पर हमारे पास जो है सालगिरह, शादी ब्याह और दीगर रसूमात के तमाम तर तकरीबात के जितने भी आइटम्स हैं वो सब अवेलेबल हैं। ठीक है, आइए। जी आइए नाज़रीन, मैं अब आपको लेकर चलता हूँ सुपर फायरवर्क्स में, जहाँ पर हमारा तमाम तर रसूमात का, तकरीबात का, शादी ब्याह का और सालगिरह का, गवर्नमेंट इवेंट्स का, तमाम तर फायरवर्क्स के हवाले से जो आइटम है वो तमाम तर इस शोरूम के अंदर मौजूद है। आइए चलिए। देखिए सर, यहाँ पर हमारे पास ये शादी ब्याह के हवाले से तमाम तरह आइटम मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक ये शावर है जिसे हम अनार कहते हैं। डिफरेंट प्राइसेस हैं, कितने का दे रहे हैं? ये 350 रुपीज़ का एक पीस होता है, इसका 30 से 35 सेकंड तक का ड्यूरेशन होता है और तकरीबन ये 15 फीट की जो हाइट को ये रीच करता है। इसी तरीके से डिफरेंट आइटम्स हैं, इनके भी डिफरेंट फीचर्स हैं। ये बच्चों के बारे में बताइए, ये गोल्डन अनार है, ये भी गोल्डन अनार है। अगर सिल्वर वैरायटी में आप लेना चाहते हैं तो हमारे पास सिल्वर शावर में भी अनार मौजूद है। इसके अलावा ये कलरफुल वैरायटी है सारी, जो ये स्टिक्स के हवाले से है, ये बच्चों के फायर स्टिक्स हैं, इसमें से कलर वाले फायर निकलते हैं जो कि हवा में जाकर ब्लास्ट करते हैं, फ्लावर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके की कुछ वैरायटी हमारे पास है शावर्स की जो कि छोटे बच्चों के लिए है। हमारे पास हर स्टेज ग्रुप के लिए, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट आइटम्स हैं, छोटे भी, बड़े भी, जिन किसी को भी अपनी नीड है वो अपनी नीड यहाँ पर आकर पूरी कर सकते हैं और अपने लिए खरीदारी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये कुछ क्रैकर्स की वैरायटी है, जिसके अंदर हम जो है वो यहाँ पर अपने पास तमाम तरह पटाखों की वैरायटी भी रखते हैं, जिस तरीके से सेल बॉम्ब हैं, ये फीते वाले बॉम्ब होते हैं, ये विस्लिंग मिसाइल रॉकेट्स होते हैं, इसी के अंदर जो है वो हम सारे आइटम्स के अंदर डील कर रहे होते हैं। ये कुछ वैरायटी है हमारी फायर स्टिक्स के हवाले से, जिसके अंदर ब्लास्ट वाले कलरफुल फायर होते हैं, ये प्रॉपर फायरवर्क्स होता है और ये डिफरेंट तकरीबों के अंदर जो है ये लोग इसको यूज़ करते हैं और यूज़ करके इससे जो है वो लुत्फानंदोज़ होते हैं। अच्छा, ये कितने पर पीस से डील कर सकते हैं? अलग अलग रेट्स होते हैं इनके, ये 5 शॉट हैं, ये 400 के अंदर हैं, ये 600 के अंदर हैं, ये दोनों लोकल मेड स्टिक हैं, ये कुछ चाइनीज स्टिक्स हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हम जो है वो यहाँ पर इसको जो है डील कर रहे होते हैं। ये 5 शॉट वाली स्टिक है जो कि चाइनीज एक प्रॉपर स्टिक है, ये एक 8 शॉट वाली स्टिक है जिसकी हाइट जो है वो इस स्टिक से मैक्सिमम होती है। ठीक है, स्टिक्स की वैरायटी के अंदर ही मेरे पास जो है वो कुछ यहाँ पर ये भी अवेलेबल होती हैं, बड़ी स्टिक्स की वैरायटी हैं जो जंबो शॉट्स के अंदर, ये रेगुलर आतिशबाजी से थोड़ा अपग्रेड आतिशबाजी है। और ये पीस कितने में डील कर रहे हैं? ये अलग अलग है, ये एक स्टिक होती है 8 शॉट इसके अंदर होते हैं और ये 7500 की एक स्टिक होती है और ये 30 फ्लोर 35 फ्लोर प्लस की हाइट अपने अंदर कंटेन करती है। 8 शॉट्स इसके अंदर होते हैं जो टाइमली चार 5-5 सेकंड के गैप से, 7500 का एक पीस है। जी हाँ, एक पीस है, इसके अंदर 8 शॉट जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये टाइमली 4-4 सेकंड 5-5 सेकंड के गैप से अपना वर्किंग करती रहती है। हाइट इसकी कम से कम 20 फ्लोर प्लस होती है जो ऊपर जाकर ब्लास्ट करती है और मल्टी कलर के बड़े फ्लावर बनाती है। ठीक है, इसी तरीके से ये स्टिक्स हैं, ये स्टिक भी जंबो स्टिक की वैरायटी के अंदर आ जाती है। इसके अंदर भी जो है वो 8 शॉट ही होते हैं लेकिन इसका फ्लावर की हाइट और फ्लावर का जो साइज है वो छोटा होता है। स्काई शॉट्स की वैरायटी में इनके डिटेल दीजिए थोड़ा से। ये देखें, ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है, ये एक पॉप पटाखा कहलाता है, ये बहुत सिक्योर आइटम है, बच्चों का, छोटे बच्चों का हॉट फेवरेट आइटम है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसको जमीन पर फेंकता रहता है और क्लैप जितना साउंड आता रहता है पटाखा फटता रहता है। 200 रुपीज का एक ये सेट होता है जिसके अंदर 4 पीसेस जो है ये होते हैं, 4 पीसेस की ये ट्रे होती है। ठीक है, और ये तरीके से इसके बारे में ये क्या चीज़ है? ये स्काई शॉट की वैरायटी है, ये राउंडर कहलाता है, छोटा आइटम है, ऊपर जाके ब्लास्ट करता है, छोटा एक फ्लावर बनाता है। कितने पर पीस है ये? 80 रुपीज़ का पर पीस। 80 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से स्काई शॉट्स की वैरायटी के अंदर हमारे पास जो है ये तमाम तरह डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर हम जो है ये 19 शॉट हैं, 7 शॉट हैं, ये 7 शॉट हैं, 9 शॉट हैं, 16 शॉट हैं, 25 शॉट हैं, 20 शॉट हैं। जैसे ये 20 शॉट का बॉक्स है, ये बारी बारी जो है ये 20 फायर करेगा और इसकी हाइट कम से कम 100 फीट की होती है और ऊपर जाकर ब्लास्ट भी करने होते हैं और मल्टी कलर के फ्लावरिंग भी करनी होती है। इनके रेट भी काइंडली जी हाँ, हर
हर एक चीज के जो रेट्स हैं वो मेंशन होते हैं। ये 4000 का एक बॉक्स है, इसी तरीके से 16 शॉट है, ये 3600 का बॉक्स है, एक ये बॉक्स है 9 शॉट का, ये भी तमाम मल्टी कलर के अंदर होते हैं, इसकी प्राइस है 1800 की। इसी तरीके से ये 10 शॉट्स हैं, इसी तरीके से ये 12 शॉट्स हैं। कुछ ये जंबो शूटर्स की वैरायटी है जो बड़े इवेंट्स के अंदर काम में आते हैं, ये जंबो शॉट्स होते हैं, इनकी हाइट और इनकी जो टाइमिंग है वो प्लस होती है, इनके जो ब्लास्ट हैं मल्टी कलर के वो बड़े फ्लावर होते हैं, और ये अपनी जो काम है ये ऊंची बुलंदी पर जाकर बड़े फ्लावर वाला करते हैं। इसी तरीके से ये जंबो शूटर्स की कुछ वैरायटी यहां पे मेरे पास है, ये दिखाइएगा जी। ये एक शिप वाला शूटर है जो वी शेप के अंदर वर्किंग करता है, इसके स्ट्रेट शॉट्स नहीं होते, ये अपनी बारी बारी जो है ये ब्रस्टेड जो है ये अपने 5-5 शॉट करता रहता है, और इसकी जो है वो टाइमिंग बहुत शॉर्ट होती है क्योंकि ये एक असॉर्टेड शूटर है, असॉर्टेड बॉक्स है। ठीक, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने बच्चों के कलेक्शन की तरफ। ठीक है, आइए। अच्छा, ये किस पर्पज के लिए, ये जो इनके बारे में थोड़ा, ये तमाम तरह वैरायटी जो है मेरे पास, रॉकेट्स की वैरायटी है जिसके अंदर लोकल आतिशबाजी भी मौजूद होती है, जिसके अंदर चाइनीज ब्रांडेड आतिशबाजी भी मौजूद होती है। ये कुछ स्टाइल रॉकेट्स हैं जो ब्लास्ट और फ्लावरिंग करते हैं, ये कुछ गोला रॉकेट्स हैं जो ब्लास्ट और फ्लावरिंग करते हैं। इसी तरीके से ये जो लोकल नोजेज हैं, लोकल हवाई है, इसको जो है वो हम बॉटल में डालकर चलाते हैं और ये ऊपर जाकर जो है हवा में कलर स्पॉटिंग देती है और पटाखे देती है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ बच्चों के कलेक्शन की तरफ। बच्चों के कलेक्शन के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट आइटम्स होते हैं, जिस तरीके से एक चाइनीज़ क्रैकर है समोसा बॉम्ब के नाम से, एक क्रैकर है हलचल बॉम्ब के नाम से, 10 पीसेस का बॉक्स होता है, 150 रुपीस की इसकी प्राइस होती है। ये गैस गोला है, ये हमारे बचपन का आइटम है, इसको हम जो है वो जलाते हैं पहले, उसके बाद फिर ये ग्लो करता है जी, बिल्कुल। ये 12 पीस का एक पैकेट होता है, 200 रुपीस का होता है। मिनट में देखना चाहूँगा इसे। अच्छा, बचपन में हमने बहुत यूज़ किया इसको जी, ये एक अच्छा आइटम है, ग्लोइंग के हवाले से, चिरागों के हवाले से एक अच्छा आइटम है। अच्छा, जबरदस्त। इसी के साथ साथ बच्चों के आइटम्स के हवाले से मेरे पास कुछ ये क्रैकिंग्स के भी आइटम हैं, ये कुछ बॉम्ब्स हैं, क्रैकर्स हैं, इसी तरीके से ये बच्चों के छोटे क्रैकर्स हैं जो ये हार्मफुल नहीं होते बच्चों के लिए, ईजिली बच्चे इसको यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से ये कुछ बिग क्रैकर्स हैं इसके अंदर, ये विस्लिंग मिसाइल्स हैं, हर एक चीज़ की प्राइस मेंशन होती है हमारे पास तमाम तरह काउंटर्स के ऊपर। ये एक डिबरी अनार है, डिबरी जो हम बचपन में चलाया करते थे वो कुछ इस पैटर्न की होती थी जो कि हवा के अंदर फ्लाई करती थी। अभी ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है जी हाँ। इसके अंदर 12 पीसेस का बॉक्स ये होता है, एक पैकेट होता है, ठीक है। और ये डिबरी अनार है, ये एक न्यू आइटम है, उससे थोड़ा सा एडवांस, उससे थोड़ा सा एडवांस आइटम है। ये अपनी जगह पे ही रहता है, इसके अंदर से शावर निकल कर जो है वो हवा में जाता है, ठीक है। और ये डिबरी है, ये घूम कर हवा में जाती है, फ्लाई करती है, ये फ्लाई नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, इसमें से एक छोटा सा शावर निकल कर बच्चों को जो है वो खुश करेगा, तो ये बच्चों को खुश करने वाला आइटम है। इसी तरीके से एक आइटम है हमारे पास चकरी, इसके अलावा भी कोई पुराना आइटम पड़े आपके पास? हाँ, पुराने आइटम्स के अंदर हमारे पास जो है ये, पहले इसके बारे में बता दीजिए, चकरी होती है, इसके अंदर ये चाइनीज आइटम है, ये कलरफुल चिंगारियां देती है, घूमती है और अपने कलर चेंज करती है और लोगों को एंजॉय करवाती है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से ये एक चाइनीज़ आइटम है, कलर क्रैकर, कलर चेंजर है ये, इसको यहाँ से हम जो है वो जलाते हैं और ये राउंड करता है, ये ज़मीन के ऊपर ही घूमता है, स्काई शॉट की वैरायटी नहीं है, इसमें ज़मीन पर घूमकर ही अपने कलर चेंज करने होते हैं। ओके, ये चक्री कहलाती है, रंगीन चक्री। इसी तरीके से ये एक हमारे बचपन का आइटम है, बल्ब पटाखा, जिसको हम ट्यूबलाइट बॉम्ब भी कहते थे। अच्छा, इसके अंदर जो है वो बहुत सिक्योर एक आइटम है, इसको हमने सिर्फ रब करके फेंक देना होता है, थोड़ी देर बाद इसमें गैस फिलअप होती है और ये फट जाता है, तो छोटा पटाखा 50 रुपीज़ का ये पैकेट होता है। इसी तरीके से ये कुछ वैरायटी है, ये चाइना बॉम्ब भी कहलाता है, माचिस बॉम्ब भी कहलाता है, और एक इसका वेल नोन नाम है नाटक बॉम्ब के हवाले से, इसको जलाकर फेंक दिया जाता है, कुछ देर तक ये जो है वो अपनी वर्किंग नहीं करता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये मिस हो गया, लेकिन आखिर में ये फट जाता है, तो फिर ये एक छोटा सा नाटक करके फटता है, जिसकी वजह से इसको ये नाटक बॉम्ब कहलाता है। ठीक है, सही। तो ये भी हमारे पास तमाम तरह आइटम्स अवेलेबल हैं। ये जो नीचे पड़े इनके बारे में थोड़ा सा, ये वही सर बच्चों के क्रैकर्स हैं, ये छोटे क्रैकर्स हैं, ये बच्चों के क्रैकर्स हैं, ये वही बल्ब पटाखा है, ठीक है, जो मैं अपने वीडियो में आपको बता चुका हूँ। okay. इसके अलावा कुछ हमारे पास आइटम होते हैं जो शॉपकीपर्स के हवाले से होते हैं, जो हमसे हमारे साथ 12 महीने की शॉपकीपिंग करते हैं, उन कस्टमर्स को भी जो हम यहाँ पर जो है फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जो अगर हमसे बल्क क्वांटिटी के अंदर माल खरीदते हैं और उनके लिए एक स्पेशल रेट ऑफर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ही हमारे पास कुछ ये पार्टी पॉपर्स की वैरायटी मौजूद है, जिसके अंदर कलरफुल पन्नियाँ होती हैं, ग्लिटरिंग वाले हार्ट्स होते हैं। पॉपर्स के साथ साथ हमारे पास ये कुछ खुले माचिस की वैरायटी भी अवेलेबल है, जो माचिस बॉम्ब की खुली वैरायटी है। अच्छा, 50 रुपीज़ का एक पैकेट होता है, इसमें अप्रॉक्सीमेट 40-45 पीसेज होते हैं। इसी तरीके से ये क्रैकर्स हैं जो ढोल की बॉम्ब कहलाते हैं, 60 रुपीज़ का एक पैकेट होता है ये। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे
दिवाली के काउंटर की तरफ। ये कुछ हमारे आइटम्स हैं जो कि 12 महीने हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये हमारे हिंदू भाइयों हिंदू बरादरी के लिए ये आइटम्स होते हैं जो रंगोली वगैरह में और होली के कलर्स के अंदर यूज़ होते हैं। इसी तरीके से झाग की वैरायटी है, ये होली कलर्स हैं ये, और इसकी वैरायटी जो है वो हमारे पास छोटी बॉटल में भी अवेलेबल होती है। तो कोई अगर इसको भी इस्तेमाल करना चाहता है तो वो ये भी हमसे लेके जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और क्या दिखेंगे सर? कुछ और भी कोई आपके पास वैरायटी वो भी दिखा दीजिए। आइए मैं आपको एक आइटम दिखा देता हूँ। ये एक वेल नोन आइटम है जिसे हम फुलझड़ी कहते हैं। ये नॉर्मली जो है ये बच्चे भी जलाते हैं, बड़े भी जलाते हैं, और ये गरम चिंगाली वाली हार्मफुल जो है वो फुलझड़ी होती है। ये नए दौर की चीज़ है, चाइना फुलझड़ी कहलाती है। इसके अंदर स्टार क्रैकलिंग है और कूल फायर है, बच्चों के हाथ कपड़े इससे सेफ रहते हैं, ये हार्मफुल नहीं है। अमूमी तौर पर यह फोटो शूट्स के अंदर इनडोर पर्पज के अंदर भी इस्तेमाल में आ रही है। अच्छा, और क्या जी सर? देखिए ये कुछ वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है हिंदू बरादरी के हवाले से। कुछ इनके ट्रेडिशनल आइटम्स होते हैं जो ये अपने अलग अलग इवेंट्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये दिए की वैरायटी होती है, ये नॉर्मल ये लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ये दिए मोम वाले भी होते हैं, सादे ग्लिटरिंग वाले दिए भी होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये तमाम तर वैरायटी जो है जी, ये जो है सामने क्या है, ये सजावट का आइटम है। इसको मंदिर भी कहते हैं, ये लोग मंदिर के तौर पे भी यूज़ करते हैं अपने घर की सजावट जलाने के लिए, दिए जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम तर वैरायटी हमारे पास 12 महीने अवेलेबल होती है। आप आइए हमारी शॉप विजिट कीजिए, हमें खिदमत का मौका दीजिए। MA Jinnah रोड पर कैपरी सिनेमा के जस्ट अपोजिट सुपर फायर वर्क्स अल आमना प्लाजा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारी शॉप है, जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ऑफिस नंबर 7 पे लोकेट है। तो आइए हमें खिदमत का मौका दीजिए और हमारे पास तमाम तर आइटम्स हैं, उनसे लुत्फानंदोज़ होइए। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया यही है भाई, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि इस स्टोर के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से हैं? हम लालू खेत से हैं। लालू खेत से भाई, कैसे आए स्टोर? पहले भी इससे पहले भी आते रहे? जी बहुत दफ़ा आए। अच्छा, तो क्या मुनासिब रेट वगैरह या बस? बिल्कुल सही है, रेट जो होते हैं वही है, जो शादी भी है हमें बम पटा के यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, लाइट हाउस में वहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर अच्छा सामान मिलता है, मुनासिब रेट है जी, जब ही हम यहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कहाँ से है भाई? भाई लियाकताबाद। लियाकताबाद से आए हो? जी भाई, बम पटाखे लेने आए, ये भाई के साथ आए हैं शादी भी अगली। अरे वाह, मुबारक हो। खैर मुबारक। तो ठीक है, ले लिए सब चीज़ें? मैं अभी ले रहे हैं भाई, अभी तो आए भाई के साथ लेने भाई की शादी। चले बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, फिर मिलते हैं किसी और, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।